अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाज़रीन, हम हाज़िर हुए हैं आज आपके साथ कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर। हम लोगों से कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके रिएक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर। अच्छा नासिर भाई, आप ये बताएं कि दो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अली जो है वो हमारा भाई है। जब हमने अली से पूछा, वो कहता भाई मेरा तो कोई भाई नहीं है, वो कसम खा गया। तो आप बताएं कौन सच्चा दोनों में? जो अली है तो उसका भाई है, तो वही होगा ना, वो बता रहा होगा ना, नहीं ये मेरा भाई, तो यही होगा। मतलब डॉक्टर झूठे हैं? डॉक्टर झूठे होंगे। अच्छा डॉक्टर झूठे। भाई को ज़्यादा पता होगा ना कि भाई है मेरा, एक है ये दो हैं, वो तो भाई को पता होगा। डॉक्टर तो कह ही सकते हैं, हम तो सिर्फ एक जेस्ट कर सकते हैं ना कि आपके दो भाई हैं, चार भाई हैं। डॉक्टर उसे वैसे ही भाई मानते होंगे। अच्छा डॉक्टर तो हर एक को भाई बोलता है, हर एक को भाई बोलता है, भाई तो नहीं हो जाते। वो उसी अली से पूछें जो जिसका भाई कह रहे हैं, इसमें अली सच्चा है। अली सच्चा है? और क्यों सच्चा है भाई? वजह? क्योंकि उसको पता है ना ये मेरा भाई है। तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? जी डॉक्टर झूठ बोल, झूठ बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं झूठ? उनका दीन ईमान कमज़ोर होता है। अली सच्चा होगा, डॉक्टर कैसे सच्चे होंगे? तो डॉक्टर क्यों झूठे हैं, आपको क्या लगता है क्यों झूठे हैं? जब उनका भाई है नहीं है तो वो कैसे उसका भाई बात? दोनों सच्चे हैं। दोनों सच्चे हैं जी। अच्छा चले, क्यों सच्चे हैं? एक सच्चे हैं, वो जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि ये मुसलमान होने के नाते ये मेरा भाई है। अच्छा। और जो अली है वो कहता है ये मेरा सक्का भाई नहीं है। अली सच्चा है? क्यों? वो अकेला खड़ा है अली, तो वो अकेले खड़े होने की वजह से जो बंदा अकेला खड़ा हो वो सच्चा होता है। वो सच्चा होगा और क्या होगा? अली सच्चा है। फिर डॉक्टर झूठे हैं? हाँ डॉक्टर झूठे हैं। क्यों? डॉक्टर वैसे झूठ बोल देते हैं, क्यों नहीं झूठ बोलते? क्यों वो अली जो है ना वो सच्चा है। अली सच्चा है जी। क्या वजह है? अली सच्चा इस वजह से क्योंकि दो डॉक्टर हैं ना, डॉक्टर ये औरतें हो सकती हैं, तो फिर होने की वजह से वो कह रहा है कि ये भाई तो नहीं है, बहन ही है। हो सकता है इसका सतीला भाई हो या उनका आपस का मसला है, तो मैं बीच में नहीं बोल सकता, ये तो उनके माँ बाप ही बता सकते हैं। आप ये बताएं कि एक दूध वाला आदमी है, वो दूध बेचता है, ठीक है, उसके पास दूध को नापने के लिए ना, मापने के लिए पैमाना नहीं है, उसके पास एक 5 किलो का बर्तन है, एक 3 किलो का बर्तन है, वो दो बर्तन है, उन्हीं के अंदर वो माप के दूध देता है। एक बंदा आ गया, वो कहता है मुझे 1 किलो दूध चाहिए। अब वो उसको 1 किलो दूध कैसे उसको निकाल के देगा उसमें से? पहले वो 5 किलो तोलेगा, 5 किलो में से वो 3 किलो उधर करेगा। हाँ। वो 3 किलो लैदा हो गया, बकाया रहेगा 2 किलो, 2 किलो में से वो दूसरा डब्बा जो होगा उसके अंदर बराबर करके वो 1 किलो हो जाएगा। बराबर कैसे करेगा? वो उसके अंदर देखेगा ना, जैसे वो 3 किलो वाला है उसके अंदर कहीं देगा ना, वो ऐसे तो नहीं होगा ना, उसके अंदर कहीं देगा ना, वो ऐसे तो नहीं होगा ना। बस दो ही बर्तन है? दो ही बर्तन है, उसके अलावा कोई बर्तन नहीं है? नहीं है, बाजार से लेना ही नहीं है, ऐसा ही है ना? जी जी, नहीं नहीं बाजार से नहीं लेना, बस उसके पास दो ही बर्तन है। आप बताओ। वो आधा आधा करके दे रहे? किसको आधा आधा करेगा? दूध को। वो पहले 3 किलो को 5 किलो में डालेगा। अच्छा, तो बाकी आधा और डाल देगा, बाकी आधा और डाल देगा। आधा किलो का तो उसके पास कोई बर्तन ही नहीं नापने के लिए, तो फिर ना वो ना नापे। वो ऐसे करेगा कि 3 किलो एक दफ़ा तोल लेगा, 3 किलो दूसरी दफ़ा तोल लेगा, ठीक है, 6 किलो दूध हो गया। हाँ। फिर उसके अंदर से 5 किलो निकाल, 5 किलो का बर्तन है ना उसके पास, 5 किलो का बर्तन निकाल के अलग कर लेगा। जो 3 किलो 6 किलो का कहाँ पे तोलेगा, उसके पास वो बर्तन ही दो हैं, कैसे छापर में डाल लेगा ना, यानी कि 3 किलो एक दफ़ा कर लेगा, 3 किलो एक दफ़ा। अच्छा, फिर उसके अंदर से 5 किलो वाला निकाल लेगा, फिर 1 किलो जो बचेगा उसको दे। यार भाई के लिए तालियां बजाएं, भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। पहले तो उसके पास कोई ढक्कन वगैरह होगा किलो का, उसके हिसाब से देगा, वरना अंदाजे से देगा। नहीं भाई, उसके पास कोई ढक्कन नहीं है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? नहीं और तरीका नहीं है। 1 किलो चाहिए, वो गड़बी पा देगा उसमें। उसके पास बर्तन ही दो हैं, एक 5 किलो वाला, एक 3 किलो वाला है। 3 किलो वो जवाब, फिर तो वो ऐसे करेंगे ना, वगैरह छापर में डाल के दे देंगे 1 किलो, वो छापर में डाल के दे देंगे। छापर में कैसे डालेगा, कैसे तोलेगा? वो किलो वाला छापर ले आएगा, उसके किलो के अंदर डालेगा। वो इस तरह तोलेगा कि वो जो 3 किलो वाला बर्तन है ना, ठीक है ना, पहले उसको भरेगा। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, उसको भर के फिर 5 किलो वाले में डाल देगा, फेंकेगा नहीं, डाल देगा। अच्छा। ठीक है, बाकी उस जो 5 किलो वाला बर्तन है उसके अंदर 2 किलो वाला, 2 किलो मतलब दूध रहने की, दूध दूध की जगह बच गई है। अच्छा ठीक है ना, बाकी ये जो 3 किलो वाला बर्तन है फिर इसको फुल करेगा। अच्छा ना, इसके अंदर दूध डालेगा, 3 किलो का इसके अंदर आ जाएगा, फिर
इससे 5 किलो वाले बर्तन में डालेगा। अच्छा, दो किलो उसमें चला जाएगा, जो 1 किलो बच जाएगा उसको दे देगा। सही बताया, सही जवाब दिया। मैं तो भाई 3 किलो तोल के दूंगा। वो गा कहता मुझे 1 किलो चाहिए, मेरे पास 1 किलो तोलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, उसको गा को नाराज कर देंगे? नहीं भाई, मैं तो 3 किलो इकट्ठा तोल के दूंगा आपको। छाड़ी यार, कल नू दसांगा।